मध्य प्रदेश में भारी बारिश की वजह से कई जिलों में बुरा हाल है। नदी नाले उफान पर हैं, कई जगह घरों और स्कूलों में पानी भर गया है तो कई जगह मंदिर डूब गए हैं, कई जगह पर लोग बारिश में फंस गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटों में और भारी बारिश हो सकती है, यानी लोगों की परेशानी बढ़ने वाली है। अपने कोल्हापुरी चप्पलों के लिए दुनिया भर में मशहूर महाराष्ट्र का कोल्हापुर, यहाँ पिछले 7 दिनों से बारिश हो रही है। इतनी बारिश कि जहां तक नजर जाएगी सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। कृष्णा नदी पूरे उफान पर है, कई मंदिर डूब गए तो कई की चहरदीवारी तक पानी पहुंच चुका है, सैकड़ों पेड़ पानी में डूबे हुए हैं, ग्रामीण इलाकों की कई सड़कें पानी से लबालब हो चुकी हैं। 17 घरों को पानी ने नुकसान पहुंचाया है। पिछले 7 दिनों से कोल्हापुर में लगातार इतनी बारिश हो रही है कि पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा, रुक रुक कर बारिश हो ही रही है और कृष्णा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बारिश ने यहाँ के पूरे जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। 70 गांवों का संपर्क कोल्हापुर शहर से टूट चुका है। जिला प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है। आलम यह है कि नसीबवाड़ी के मंदिर को कृष्णा नदी ने पूरी तरह आगोश में ले लिया है। जिस मंदिर में कभी भक्तों की लाइन हुआ करती थी, उस मंदिर में कृष्णा नदी के पानी ने ऐसी लकीर खींच दी है कि कोई आ नहीं सकता। हाँ, कोई तैर कर जाना चाहे या कमर तक पानी में जाना चाहे तो जा सकता है, अगर कोई कीमती सामान मंदिर से निकालना है तो। 1300 किलोमीटर में बहने वाली कृष्णा नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में बहती है और इस वक्त कोल्हापुर में कृष्णा नदी खतरे के निशान पर बह रही है और अब वही खतरा बढ़ते बढ़ते मंदिरों और घरों, पेड़ों, सड़कों, दुकानों, आसपास के इलाकों को अपनी जद में लेने लगा है। अब इसे कुदरत का आफतकाल ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। मध्य प्रदेश में भारी बारिश की वजह से कई जिलों का बुरा हाल है। नदी नाले उफान पर हैं, कई जगह घर और स्कूल में पानी भर गया है, मंदिर डूब गए हैं, बारिश में लोग फंसे हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटों में और भारी बारिश हो सकती है, यानी दिक्कतें और बढ़ सकती हैं। उफान पर नदी नाले, बाढ़ में फंसे लोग, घरों में घुसा पानी, स्कूल भी पानी से भरे, कहीं घुटनों तक पानी तो कहीं कमर तक। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों की हैं, जहां आसमान से आफत बरसी है। सीहोर, बारिश के चलते नदी उफान पर है, सड़क दिख नहीं रही। तेज रफ्तार पानी के बीच लोग जान जोखिम में डालकर रास्ते को पार कर रहे हैं, कुछ पैदल तो कुछ बाइक पर। 2 दिन पहले सीहोर की पपनास नदी में आई बाढ़ में एक बुलेरो बह गई। रतलाम, यहाँ क्षिप्रा नदी पूरे उफान पर है। रतलाम के आलौट से राजस्थान जाने का रास्ता बंद हो गया है, कई घरों और स्कूलों में पानी भर गया है, जिसके बाद कुछ स्कूल बंद कर दिए गए हैं। विदिशा, स्कूल में बच्चों के घुटनों तक पानी, टीचर भी पानी के बीच क्लासरूम में कुर्सी डालकर बैठे दिख रहे हैं। तस्वीरें मध्य प्रदेश के विदिशा के एक स्कूल की है, जो बारिश के पानी से लबालब भर गया है। विदिशा में कई जगह लोगों के घर में पानी घुस गया। दमोह, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक बाइक सवार नदी की तेज धार के बीच फंसा हुआ है और 3 लोग उसे खींच रहे हैं। कुछ मिनटों पर यह आदमी बाइक समेत बह जाता है। हालांकि तकदीर अच्छी थी कि आसपास लोगों ने इस आदमी की जान बचा ली। मंदसौर, एमपी के जिले में भी भारी बारिश से नदी का पानी सड़क पर आ गया है और लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर बाइक से इस रास्ते को इस तरह पार कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक आदमी तो पानी में फंस भी गया है। उज्जैन, ये तस्वीर कल की है। उज्जैन की क्षिप्रा नदी पूरे उबाल पर है। नदी के पास के कई मंदिर पानी में डूब गए हैं। मध्य प्रदेश के गुना जिले में बारिश से बुरे हाल है। ये तस्वीरें कल की है। कुल मिलाकर राज्य के करीब 12 जिले भारी बारिश से प्रभावित हैं। अगले 48 घंटे तक कई जगह भारी बारिश की आशंका है। और अब आपको लेकर चलते हैं चंडीगढ़, जहां 2 दिन से हो रही बारिश ने शहर की तस्वीर को बदल कर रख दिया है। यहां सड़कों पर पानी का सैलाब उतर आया है।
हमारा सिस्टम कैसे राहत को आफत में तब्दील करता है, ये तस्वीर उसका बड़ा सबूत है। पानी भरने की तस्वीर चंडीगढ़ की है, जहां बारिश ने लोगों को गर्मी से छुटकारा दिलाया, लेकिन कुदरत के अच्छे काम को प्रशासन की काहली ने परेशानी में तब्दील कर दिया। इस पुल के नीचे पानी भरते ही मानो गाड़ियों की रफ्तार को ब्रेक लग गई। ये देखिए कैसे पानी से निकलने की हिम्मत ये गाड़ी वाले नहीं कर पा रहे, इसीलिए खड़े होकर पहले जायजा लेते हैं। जैसे ये राहगीर इस पानी भरी जगह से सही सलामत निकल जाता है, गाड़ियां यहां से निकलने की हिम्मत करने लगती है। पहले ये जीप निकलती है और फिर ये ट्रक निकलता है। दो बड़ी गाड़ियों को कामयाब होते देख ये बाइक वाला हिम्मत जुटाता है, लेकिन बीच रास्ते में ही इसकी बाइक खराब हो जाती है। सिर्फ बाइक ही नहीं, ये महंगी गाड़ी भी जब पानी भरी इस जगह से निकलती है तो वो भी खराब हो जाती है। चंडीगढ़ में दो दिन से बारिश हो रही है, सड़क की नाली साफ न होने की वजह से प्रमुख सड़क चौराहों पर पानी भर गया है। चंडीगढ़ का ऐसा हाल तब है जब मौसम विभाग इस बार मॉनसून को कमजोर बता रहा है। वैसे चंडीगढ़ में अगले दो दिन बादल छाए रहेंगे और अगले हफ्ते से मॉनसून सक्रिय हो सकता है। आप में से कई लोगों के लिए ये तस्वीरें नई नहीं होंगी, आप में से कई लोगों को इन तस्वीरों की आदत हो गई होगी, क्योंकि ऐसी तस्वीरें हर साल हमें देखने के लिए मिलती हैं। दरअसल कुदरत की मार से ज्यादा ये सिस्टम का फेलियर है, क्योंकि देश पहली बारिश में ही बेहाल होने लगता है। क्यों बाढ़ से बचने का कोई प्लान नहीं है, इस रिपोर्ट में देखिए। तो क्या हुआ अगर सैलाब बाइक सवार बह गया? तो क्या हुआ कमर तक पानी में ये लड़का चले ही जा रहा है? तो क्या हुआ बच्चों को घुटने तक पानी में स्कूल जाना पड़ रहा है? तो क्या हुआ जरा सी बारिश भी राजधानी दिल्ली झेल नहीं पाई, बस कार्य सब कुछ डूब गए। तो क्या हुआ कई शहरों में बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब उतर आया? तो क्या हुआ देश की लाइफलाइन कहे जाने वाली ट्रेन पटरियां तक डूब गई? तो क्या हुआ कार क्रेन ट्रैक्टर सब कुछ पानी में बहता चला जा रहा है? तो क्या हुआ पहली बारिश में ही देश के घर डूबने लगे? तो क्या हुआ जिस नगर निगम पर शहर को पानी से बचाने का जिम्मा है वही डूब गया? क्या हुआ और होता क्या है, क्योंकि ये तस्वीरें तो बरस दर बरस आम हो चली हैं, और फिक्र किसे है या कहें किसी को नहीं, क्योंकि ये तस्वीरें बताती हैं कि देश में वाटर मैनेजमेंट नाम की कोई चीज ही नहीं है। पानी बचाने की तमीज देश को है नहीं, और पानी ज्यादा बरस जाए तो उससे बचना या बचाना हमें आता नहीं, क्योंकि देश में औसतन सालाना 1170 mm बारिश होती है। बर्फबारी और बारिश के पानी को मिला दें तो देश को सालाना 4,00,000 करोड़ लीटर प्राकृतिक जल मिलता है। वाष्पीकृत होने के बाद 1,869,00,000 करोड़ लीटर प्राकृतिक जल देश में बचता है। 1,869,00,000 करोड़ लीटर में से 1,166,00,000 करोड़ लीटर पानी बिना किसी इस्तेमाल नदी नालों के रास्ते समंदर में चला जाता है, यानी एक तिहाई से ज्यादा प्राकृतिक जल देश इस्तेमाल ही नहीं कर पाता,
अलबत्ता वो पानी हमें बाढ़ और जल भराव के रूप में देखने को मिलता है। और हर साल बाढ़ के लिए अरबों का फंड होने के बावजूद देश में औसतन 1600 लोगों की जान चली जाती है। और यही देश का सच हो चला है, क्योंकि सिस्टम का ध्यान तो राहत बचाव कार्य पर रहता है, बाढ़ को रोक दिया जाए इस दिशा में कोई काम किया ही नहीं जाता। स्थायी तटबंध बनाए नहीं जाते, और ऐसा ही चलता रहा तो हर साल ऐसी या इससे भी बदतर तस्वीरें देखने भोगने के लिए हमें आपको तैयार रहना होगा। तो ये कुदरत का आफत काल है, लेकिन कुदरत की मार से ज्यादा ये सिस्टम का फेलियर है। दिल्ली में शुक्रवार को हुई झमाझम बारिश के बाद दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव और जाम की समस्या है। आज दिल्ली के संगम विहार इलाके में अभी भी जलभराव की समस्या, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। संगम विहार के रतिया मार्ग पर पूरी सड़क पानी से भरी हुई है, जिसके चलते यहाँ रहने वाले लोग काफी परेशान हैं। कई इलाकों में जल जमाव हुआ है, और ये संगम विहार की आप तस्वीरें देख रहे हैं। कल दिल्ली में बारिश हुई थी 1 से 3 घंटे के बीच अलग अलग जगहों पर, और उसी में दिल्ली में पानी कई जगहों पर इस तरह भर गया कि लोग आज भी भुगत रहे हैं इस जल जमाव की स्थिति को। और यह हाल तब है जब मुंबई में जितनी बारिश होती है उसका 20 से 30% दिल्ली में अगर हो जाए तो दिल्ली की हालत और ख़राब हो, ये पोल भी खुलती है कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के बड़े बड़े दावों की। राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को झमाझम बारिश हुई थी, जिसकी वजह से दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव और साथ ही जाम की समस्या देखने को मिली थी। इस वक्त मैं संगम विहार के रतिया मार्ग पे मौजूद हूँ, जहाँ एक दिन बीत जाने के बाद भी सड़क पर पानी जमा है। लोग जो है पानी के बीचों बीच निकलने को मजबूर है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस कदर जो है गाड़ियां पानी के बीचों बीच से निकल रही हैं, आधे टायर जो है वो पानी में डूब चुके हैं, साथ ही लोग जो है इसी पानी के बीच से पैदल निकलने को मजबूर हैं, क्योंकि दोनों तरफ जो है पानी भरा हुआ है, जल भराव की समस्या है। और इसकी एक अहम वजह यहाँ पर जो नालियाँ हैं उनका ब्लॉक होना भी बताया जा रहा है। ये नालियाँ बताया जा रहा है कि यहाँ के लोगों का कि काफ़ी दिनों से साफ नहीं हुई है, जिसकी वजह से शुक्रवार को जब बारिश आई थी तो यहाँ पर काफ़ी पानी जमा हो गया था, लोग काफ़ी परेशान थे, बेहाल थे। और आज एक दिन बीत जाने के बाद भी ये तस्वीरें आपके सामने हैं कि सड़क पर जहाँ तक नज़र जाती है आपको सिर्फ पानी ही पानी नज़र आएगा, और लोग उसमें से होकर गुजरने को मजबूर नज़र आएंगे। यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं, बेहाल हैं। उनका साफ कहना है कि संबंधित प्रशासन को इस बारे में सोचना चाहिए, यहाँ की नालियों को साफ करना चाहिए, जिसके चलते जल भराव की समस्या जो है वो आने वाले दिनों में ना हो। इनकी ये भी शिकायत है कि जब भी बारिश होती है तभी इस तरह की समस्या जो है वो ज़्यादा देखने को मिलती है, सड़कों पर काफ़ी फीट तक पानी भर जाता है। रवीश पांडे के साथ विवेक शर्मा, यूपी न्यूज़, दिल्ली। हमारे संवाददाता विवेक शर्मा ने संगम विहार के लोगों से सीधी बात की उनकी परेशानियां जानने के लिए। किस तरह से इनको समस्या आ रही है, क्योंकि यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि काम धंधे जो है वो भी चौपट हो गए, जो आसपास की दुकानें हैं वहाँ पे भी काम धंधा नहीं है। सर किस तरह की समस्या आ रही है, जल भराव जो है एक बड़ी समस्या बन गया आपके लिए? कल से तो जो पानी बरसा है तो उसके वजह से कंडीशन और वर्स्ट हो गई है। यहाँ पे सिर्फ ट्रैक्टर के सिवाय कुछ चल नहीं सकता है, यहाँ पे नालियाँ खुली हुई, नालियों की सिल्टिंग डी सिल्टिंग नहीं हुई है, उसके वजह से ओवरफ्लो हो रहा है, यहाँ पे चलना मुश्किल है। यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे कितने स्कूल हैं। यहाँ पे मैं हमदर्द एजुकेशन सोसाइटी से हूँ, हमारी 24 बस आती है, उसको कितनी दिक्कत होती है। 11:30 बजे दिन में परसों यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स पहुँचे, जबकि 7:30 बजे से हमारा स्कूल चलता है। कल बारिश जो हुई है उसकी वजह से बेपना ब्लॉकेज हुआ नालियों के अंदर, और ओवरफ्लो हो रहा, लोगों को गुजर पाना बड़ा मुश्किल काम है, और स्टूडेंट्स को आने बहुत परेशानी है। स्कूल चलते हैं, स्कूल की 24 बसें हैं जिसको आने बड़ी दिक्कत होती है। रोड पर बेपना एनक्रोचमेंट भी है, मार्केट की रोड है सर, यहाँ पे तो फिर बिजनेस पर भी असर पड़ रहा है क्या? बिल्कुल, तमाम ब्लॉकेज हो रहा, तमाम दुकानें बंद पड़ी रहती हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बड़ी समस्या जो है वो बताई जा रही है कि इन नालियों का ब्लॉक होना। आप जो नाली देख रहे हैं, बताया जा रहा है कि इनकी सफाई समय पर नहीं होती और ये ब्लॉक हो जाती हैं। यहाँ पे पानी जो है अधिकतर समय पर जुटा रहता है।
देखा आपने देश की राजधानी दिल्ली एक घंटे की बारिश से किस कदर बेहाल हुई है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।